नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई रिकवरी, एक सर्वे में किया गया दावा। सोमवार को लगातार चौथे दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम 17 से 19 पैसे और पेट्रोल के दाम 7 पैसे तक बढ़े। देश को मार्च तक मिल जाएगा कोरोना वैक्सीन का पहला घरेलू टीका, पहले 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। जल्द महंगा हो सकता है मोबाइल कॉल, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने कहा मौजूदा रेट्स पर बाजार में बने रहना मुश्किल। शेयर मार्केट में महिलाओं की दिलचस्पी में इजाफा, लॉकडाउन में महिलाओं के खातों में 32% इजाफा, 70% ने पहली बार किया निवेश। गौतम अडानी ने रोजाना 456 करोड़ कमाई के मामले में मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को पीछे छोड़ा, एलन मस्क टॉप पर। अमेरिका यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड पर भारत फिर बातचीत शुरू करेगा, चीन विरोधी सेंटीमेंट का फायदा मिलने की उम्मीद। उगाया पावर देशभर में लगाएगा 1020 मल्टी स्टैंडर्ड ईवी चार्जर स्टेशन, EECL से कंपनी को मिला है वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट। मोहाली में कमर्शियल प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ खर्च करेगी TDI इंफ्राटेक, 2022 तक डिलीवर होगा प्रोजेक्ट। जूम और गूगल मीट को पीछे छोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान, टीम्स पर अब 24 घंटे फ्री वॉइस और वीडियो कॉलिंग। कोरोना वैक्सीन का इंतजार, दिसंबर का महीना खत्म कर सकता है। उम्मीद है कि अगले महीने मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद दुनिया भर के लिए कोरोना की जंग को जीतना बेहद आसान हो सकता है। मॉडर्ना ने तो अपनी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना वैक्सीन के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे हर एक वैक्सीन के असर होने का प्रतिशत और कीमतों का भी खुलासा होने लगा है। Our vaccine candidate has demonstrated efficacy of 95% against COVID-19 with no serious safety concerns observed to date. जिन वैक्सीन की सबसे पहले आने की संभावना है उनमें शामिल है रूस की कंपनी स्पुतनिक, जिसकी वैक्सीन 92% असरदार होने का दावा किया गया है। इसके बाद अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का नंबर है, जिसके 94.5% असरदार होने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगली वैक्सीन भी अमेरिकी कंपनी फाइजर बायोएनटेक की है, जो सबसे ज्यादा यानी 95% असरदार होने का दम भर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम 60% असरदार होगी, यानी इसका असर ज्यादा हो सकता है। हालांकि भारतीय कोवैक्सीन के 60% असर को कम नहीं आंका जा सकता। WHO, भारत का FDA और भारत का CDSCO भी अगर कोई रेस्पिरेटरी वैक्सीन 50% से ज्यादा असरदार है तो उसको मंजूरी दे देती है। इस बीच मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की कीमत को लेकर भी संकेत दिए हैं। कंपनी के CEO स्टेफान बांसेल के मुताबिक उनकी वैक्सीन की कीमत फ्लू में लगने वाले वैक्सीन के बराबर हो सकती है। उन्होंने इसकी कीमत $25 से $37 प्रति डोज यानी कि 1800 से 2700 रुपए होने का अनुमान लगाया है। उधर फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की कीमत को लेकर अनुमान है कि 3000 प्रति डोज से ज्यादा हो सकती है। इसकी वजह है कि कंपनी को वैक्सीन के निर्माण के लिए किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिली है। रूस की स्पुतनिक वी की कीमतें अभी तय नहीं है। इसका भारत में उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी, जबकि ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा, वो 500 से 600 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो फिर देसी कोवैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन यहाँ पर कामयाब हो सकती है। अभी जो है फेज 3 में हम लोग देखेंगे कि इज द वैक्सीन एबल टू, मतलब डिजीज ना हो, कितने लोगों में डिजीज नहीं हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उसका हिसाब करने के लिए वो फेज 3 बोलते हैं, हम लोग इसको एफिकेसी ट्रायल बोलते हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक प्रोड्यूस्ड वैक्सीन इज अंडरवे, सेकंड ट्रायल इज ओवर इन निम्स एंड देन देयर एंटरिंग इनटू थर्ड फेज ऑफ ट्रायल्स। इस मामले में फाइजर फिसड्डी साबित हो सकता है। दरअसल वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए इसे सही तापमान पर स्टोर करना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से मॉडर्ना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिनों के लिए रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। कोवैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी। वहीं फाइजर वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होगी।
ऐसे में फाइजर वैक्सीन को यहां दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में मुहैया कराना आसान नहीं है। साथ ही इसकी कीमत भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ये भी सच है कि सबसे पहले आने वाली और फिर सबसे असरदार साबित होने वाली वैक्सीन को अपना जलवा दिखाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इस बार फेस्टिव सीजन में घरों की जमकर बिक्री हुई है। महाराष्ट्र में तो स्टाम्प ड्यूटी में हुई कटौती ने घरों की बिक्री की रफ्तार को ज्यादा ही बढ़ा दिया है, लेकिन ये सिलसिला आगे जारी रहेगा या नहीं, इस पर क्रिसल की रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना के कहर ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। त्योहारी सीजन के बहाने इसके पटरी पर लौटने की जो उम्मीद बड़ी थी, उस पर कोरोना की एक और लहर ने पानी फेरने का इंतजाम किया है। बीते चार साल से पहले ही अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट के लिए भी कोरोना बुरा ख्वाब साबित हो रहा है। फेस्टिव सीजन में स्टैम्प ड्यूटी में कटौती, डिस्काउंट्स, ऑफर्स और सस्ते होम लोन के दम पर इस सेक्टर में कुछ रौनक देखी गई है, लेकिन इसके आगे जारी रहने पर क्रिसल की रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिसल के मुताबिक इस साल टॉप 10 शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में 50% गिरावट आने की आशंका है। पहली छमाही में टॉप 7 लिस्टेड डेवलपर्स की सेल में गिरावट 10-20% की रेंज में रही है। वहीं टॉप 10 शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री पहली छमाही में 50-60% तक लुढ़की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले दक्षिण भारत का बेहतर प्रदर्शन है, क्योंकि यहां ब्रांडेड डेवलपर्स की हिस्सेदारी ज्यादा है। जानकारों का भी मानना है कि फेस्टिव सीजन की बिक्री ने माहौल तो बदल दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 2020-21 में तकरीबन से आधा साल ही एक तरीके से डेवलपर्स को मिला है सेल्स के लिए, तो ओवरऑल असर 2020-21 के नंबर्स पर जरूर दिखेगा, क्योंकि अभी भी जो फेस्टिव सीजन में जो इंक्रीज हुआ है वो भी पूरे साल की जो कमी रही है उसको भर नहीं पाएगा। और आहिस्ते आहिस्ते जो फेंस सिटर्स थे, जो पेंट अप डिमांड था, वो जब यूज अप हो जाएगा उसके बाद से डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमी आएगी सेल्स की रफ्तार में। जो प्रोजेक्ट अबाउट टू मूव, ये अबाउट टू कंप्लीट है, वहाँ पर लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है और वहाँ सेल्स में काफ़ी तेजी आई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कमी करके हाउसिंग सेक्टर को एक बूम दिया है। ऐसा ही यूपी स्टेट गवर्नमेंट भी हाउसिंग सेक्टर में तेजी लाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकार करे। क्रिसल की रिपोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी में कटौती के असर से बिक्री बढ़ने का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इसके लिए रिपोर्ट में महाराष्ट्र की मिसाल दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र में दिसंबर तक स्टैम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। उसके बाद मार्च 2021 तक स्टैम्प ड्यूटी 3% रहेगी। इसी वजह से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 0.1 से 1.3% तक बढ़े हैं। ये बढ़ोतरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रही है। क्रिसल ने कहा है कि अक्टूबर में रियल एस्टेट की डिमांड उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। हालांकि त्योहारी सीजन के बाद ये मांग कैसी रहती है, इस पर क्रिसल को खास भरोसा नहीं है। क्रिसल ने माना है कि ये 15 साल में ऐसा पहला मौका है जब खरीदार अपनी शर्तों पर घर खरीदने की हालत में आ गए हैं। इससे पहले 10-15 साल तक डेवलपर्स का ही इस मार्केट में बोलबाला रहा है। मेरा मानना है कि फेस्टिवल सीजन में काफी रिवाइवल रहा है, डिमांड थोड़ी रिवाइज्ड डिमांड दिखी है, बट ओवरऑल इस साल में चाहे जितना भी सपोर्ट मिले, मेरा मानना है लोग अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने सेविंग्स को लिक्विड फॉर्म में कोशिश कर रहे रखें और कहीं इन्वेस्टमेंट या कोई न्यू कमिटमेंट के तौर बढ़ने में अभी भी संकोच कर रहे हैं। इस वजह से मेरा ख्याल से इस साल काफी टफ रहेगा और क्रिसल का रिपोर्ट यही दर्शाता है। वैसे भी रेरा के आने के बाद से ग्राहकों की धाक रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ गई है। रेरा कानून भी धीरे धीरे अपनी खामियां दूर करता जा रहा है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में अब इस मार्केट में डेवलपर्स का एक तरफा राज नहीं चलेगा और ग्राहकों के अधिकारों को ज्यादा महत्व मिलेगा। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।